दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके चैनल पर 10 से 20 व्यूज़, 50 व्यूज़, 100 व्यूज़ आते हैं तो आज मैं आपको कुछ एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि आप वीडियो अपलोड करने के 10 से 12 घंटे बाद आपको करना होता है अपनी वीडियो में, जिससे कि आपकी वीडियो में बूस्ट होता है और आपकी वीडियो पर व्यूज़ आना शुरू हो जाता है। वो क्या ट्रिक है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ और किस तरीके से आपको वो ट्रिक अप्लाई करनी है अपने चैनल पर वो भी मैं बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये हमारा कल की वीडियो का विनर है, ठीक है, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, साथ ही साथ कम्युनिटी टैब पर शेयर कर दिया और इंस्टा स्टोरी पर भी लगा दिया। आप लोगों को जैसा पता है कि हमारे इंस्टाग्राम पर 37,000 प्लस फॉलोवर हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी इन भाई को कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट करेंगे तभी सपोर्ट इनको भी आपको भी मिलेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि भाई हमारे चैनल पर जब 10 से 20 50 100 व्यूज़ आते हैं तो हम अपनी वीडियोस पर किस तरीके से काम करें जिससे हमारी वीडियो अदर ऑडियंस तक पहुंचे। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ होती है, जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद तुरंत ही तुरंत आप लोग पब्लिक कर देते हैं, सबसे बड़ी गलती ये होती है, आप लोगों को ये काम बिल्कुल भी नहीं करना होता है। और जब भी आप वीडियो अपनी बनाते हैं और अपलोड करते हैं, अपलोड करने के टाइम पे ही आपको टाइटल लगा देना और साथ ही साथ टाइटल को डिस्क्रिप्शन में भी सेट करके अपलोड कर देनी है। जब वीडियो आपकी अपलोड होती है तब तक आपको वीडियो पर टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन अच्छे से लगा लेना है, जिस तरीके से आप लोग लगाते हो, ठीक है। लगाने के बाद में वीडियो पर जब पूरा टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल पूरा लग जाता है, उसके 1 से 2 घंटे बाद ही आपको वीडियो अपनी पब्लिक करनी चाहिए। क्यों पब्लिक करनी चाहिए? क्योंकि YouTube का जो एल्गोरिदम है वो आपकी वीडियो को समझ नहीं पाता है। उससे पहले अगर आप लोग वीडियो बनाते हो, तुरंत डाल देते हो, तो एल्गोरिदम आपकी वीडियो को पढ़ नहीं पाता है, जो कि आपकी वीडियो पर 10, 50, 100 व्यूज़ ही आकर रुक जाते हैं। तो इसकी वजह से आपकी वीडियो डेड हो जाती है और फिर आगे नहीं बढ़ पाती। तो सो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो अपलोड करने के बाद 2 से 3 घंटे बाद ही आपको वीडियो अपनी पब्लिक करनी है जब भी, ठीक है। जब वीडियो आप पब्लिक कर देंगे 2 से 3 घंटे बाद, फिर उसमें 10 से 12 घंटे बाद आपको कुछ काम करना होता है, जिसकी वजह से आपकी वीडियो पर व्यूज़ इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिससे कि आपकी वीडियो दूसरों को रिकमेंड की जाती है, सजेस्ट की जाती है और साथ ही साथ सर्च से भी व्यूज़ आता है। यही 3 मेथड होते हैं जो कि न्यू क्रिएटर के लिए, बिगनर क्रिएटर के लिए और जो छोटा स्मॉल क्रिएटर हैं जो बहुत समय से काम कर रहे हैं, उनके चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से अपने चैनल को थोड़ा सा बूस्ट दे सकते हैं, जिससे कि आपकी वीडियो पर और भी इंगेजिंग बढ़ेगी, जिससे इंप्रेशन बढ़ेगा, तो आगे भी आपकी वीडियो उनको सजेस्ट की जाएगी। एक बार कोई आपकी वीडियो पर क्लिक कर लेता है तो उसको यूट्यूब आपकी 4 वीडियोस और दिखाता है, बोलता है कि भाई इसमें भी बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है इस चैनल के भाई ने, तो इस तरीके से आपकी ग्रोथ बढ़ने लगती है। अब दोस्तों काम क्या करना है आपको अपनी वीडियो पर वो मैं अब आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे ही दोस्तों ये आप वीडियो मेरी देख रहे हो, इसमें लगभग 2700 प्लस व्यूज़ आया हुआ है, अभी कुछ दिन पहले मैंने इस वीडियो को अपलोड किया। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इस वीडियो के में आपकी जो वीडियो आपने डाली 10 से 12 घंटे बाद, आपको इस वीडियो को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद पर आपको गो टू एनालिटिक्स पर जाना है। जब आप गो टू एनालिटिक्स पर जाएंगे तो उसके बाद आप नीचे देखेंगे जो कुछ आपकी वीडियो को सर्च किया और आपकी वीडियो को वॉच किया, इन सभी कीवर्ड को आपको कॉपी कर लेना है। लगभग 5 से 6 कीवर्ड आप कॉपी कर लेंगे और फिर आप जाएंगे जहां पर आपने टैग लगाए हैं, वहां पर आपको देखना है आपके टैग कौन से रैंक कर रहे हैं और कौन से नहीं रैंक कर रहे हैं। जो टैग आपके रैंक नहीं कर रहे हैं उनको वहां से हटा देना और इन टैग को लगा देना है, और जो भी टैग आपने नए लगाए हैं उनको लेना है और साथ ही साथ फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी वो टैग लगा देने। इतना काम करने के बाद में ये वीडियो को आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद में इस वीडियो का लिंक आपको कॉपी करना है और जो आपने प्रेजेंट टाइम पे या 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जो वीडियो डाली जिसमें कुछ थोड़े बहुत व्यूज़ आने, तो इस वीडियो का लिंक आपको क्या करना है, आई बटन पर और साथ ही साथ एंड स्क्रीन पर लगा देना है इस वीडियो का लिंक, ठीक है। और शुरू में ही आपको इस वीडियो का लिंक लगाना है जहाँ पर आपका आई बटन पर शो होता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, लोगों को जब आपकी वीडियो वो वॉच करेंगे तो उनको दिखेगा ऊपर आई बटन पर आपका ये इस वीडियो का, तो अगर 100 लोग देखेंगे उसमें से 20 लोग क्लिक करके ज़रूर देखेंगे आपकी वीडियो को, मतलब कि आपका 10% इंप्रेशन बढ़ेगा। जब आपका इंप्रेशन बढ़ेगा तो YouTube आपकी वीडियो को और रिकमेंड करेगा उस वीडियो को। इससे क्या होता है, आपकी वीडियो के रीच बढ़ने लगती है और आपकी वीडियो पर व्यूज़ आने लगता है। दोस्तों यही सारे ट्रिक मैं अपने चैनल पर यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैंने आपको सोचा बताऊँ, जिससे कि आप भी अपने चैनल पर ग्रो करें और आप भी YouTube से अच्छा खासा अर्न करें। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा, और अब मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।